मैं हूं अलीम शेख। दोस्तों आज हम दोनों आपके लिए लाए हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम न्यूज़पेपर से आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाए दिखाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप न्यूज़पेपर से किस तरह एक बोर्ड बना सकते हैं, कि स्टाइलिश और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सी बोर्ड बनाएंगे हम आज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। हमें कश्ती बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो सामान आपको बताएंगी वजीरा। हमारे दोस्तों को बताइए क्या क्या सामान चाहिए होगा। हमारे को एक न्यूज़पेपर चाहिए, पेन, रॉड, सीजर, ग्लू स्टिक, ग्लू एंड स्केल। वेरी गुड। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास न्यूज़पेपर है, इससे हम जो है वो स्टिक्स बनाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह हम स्टिक्स बनाएंगे। ये मैंने एक पेपर ले लिया, इसको मैंने हाफ कर लिया। उसके बाद इसको मैं इस तरह फोल्ड करूँगा। इस तरह फोल्ड करने के बाद मैं इसको दोबारा इसको हाफ कर लूँगा इस तरह। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह दो पेपर आ गए। ये मेरे पास एक रॉड है, सिल्वर की रॉड है ये। आप कोई भी रॉड ले सकते हैं, इसको आप रॉड को छना रखना है, ठीक है। और ये आपको ये कॉर्नर इस तरह इसको करके और आहिस्ता आहिस्ता इसको आप फिंगर की मदद से रोल करते जाएंगे। वजिया क्या आप ये बना सकती हैं मेरे लिए? जी हाँ। ये मैं आपको एक स्टिक बनाकर दिखा रहा हूँ, उसके बाद वजिया मुझे ये स्टिक बनाकर देंगी। और फिर देखें एंड में हमें इतना पीस छोड़ना है और फिर उसके बाद हम बिलो स्टिक बिल्कुल इसके एज पर लगाएंगे ताकि हमारी स्टिक खुल ना सके। उसके बाद हम इसको इस तरह रोल कर देंगे ताकि हमारी पूरी स्टिक रोल। ये देखें हमारी इस तरह स्टिक तैयार हो जाएगी और फिर ये वाली स्टिक जो है हम आसान आराम से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए चाचू ये मैंने आपके लिए बहुत सारी स्टिक बना दी है। वेरी गुड, थैंक यू भैया। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कश्ती की साइड्स बनाने के लिए स्टिक्स को इस तरह पेस्ट कर लेंगे, इस तरह पेस्ट कर लेंगे जो कि मैंने पेस ऑलरेडी करके रख ली है। ये देखिए हमें दो साइड्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये दो साइड्स पेस कर ली है। तो इसको हम जो है थोड़ा कट कर लेंगे। ये कोई भी आप रूम स्प्रे की बॉटल ले सकते हैं, उससे आप इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेंगे। देखें फिर दोनों मैंने ये इसकी मदद से थोड़ी प्रेस करनी है ताकि हमें इसको कर्व करने में आसानी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे ये करना है कि मुझे जो है वो कश्ती का शेप देने के लिए यहाँ निशान लगाने होंगे। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है, इसको मैं इस तरह रखूँगा और यहाँ पर मैंने इस तरह निशान लगा लिया है। इसी तरह मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है और ये हम कट कर लेंगे। इसी तरह हमारी जो दूसरी साइड है वो भी हमने इस तरह निशान लगा लिया है और यहाँ पर इस तरह। अब इसको हम कट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड दोनों साइड हमने कट कर लिए इस तरह, ठीक है। और इसको कर्व शेप देने के लिए इस तरह रखेंगे। हम इसमें नीचे की बेस जो है वो हम इस पर पेस्ट करते हैं। ये मैंने नीचे की बेस जो है वो कट करके रखी हुई है, ये मैं इस पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये इस तरह हम इसको पेस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने बेस जो है कश्ती की बना ली हमने, ठीक है। हमने इसको पेस्ट कर लिया इस तरह। अब ये जो साइड्स है हमारी जो ओपन है यहाँ पर जो है हम स्टिक्स लगाएंगे। ये दो स्टिक्स मैंने काट के रखी हुई है, इसको मैं यहाँ पर इस तरह लगाऊंगा। देखें फ्रेंड दोनों साइड हमने ज्वाइन कर लिए, ठीक है। और ये हमने दोनों साइड्स पर जो है वो स्टिक भी पेस्ट कर लिए, ठीक। इसके बाद हम शिप के अंदर जॉइन करेंगे। ये मेरे तीन स्टिक्स जो है एक साथ जॉइन किए, इसको मैं यहाँ पर इस तरह लगाऊंगा। इसके बाद मैं इसकी साइड्स पर जो है वो साइड्स को हम थोड़ा थोड़ा बंद करेंगे। तो उसके लिए मैंने इस तरह बना के रखी है, ठीक है। और इसको हम साइड्स पर रखते हैं यहाँ पर इस तरह थोड़ा थोड़ा ताकि हम ओरिजिनल कश्ती का हमारा लुक आएगा। और यहाँ पर मैं इस तरह वापस कर लूँगा। तो ये मेरे पास इस तरह आएगा।
आज कुछ इसका। चलें इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हम इस पर ये इसके पर्दे लगाएंगे, जो एक कस्टमाइज करना पर्दे होते हैं वो हम यहाँ लगाएंगे। और इसके लिए मैंने ये स्टिक लॉन्ग स्टिक बना के रखी है, इसको हम यहाँ पर इस तरह लगाएंगे। तो फिर एक बड़ा पर्दा यहाँ पर आएगा, ठीक है, और एक बड़ा पर्दा छोटा पर्दा यहाँ पर आएगा। तो हमारी कस्टमाइज रेडी है, चलिए इसको लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह पर्दे का जो है वो स्टिक लगा लिए। उसके बाद हम जो है वो पर्दे लगाएंगे। पर्दे के लिए मैंने थ्रेड का यूज़ किया है, थ्रेड से हम पर्दे बांधेंगे। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर इस तरह बांध देता हूँ। ये हमारे पर्दे यहाँ बन चुके हैं। अब क्योंकि ये इस तरह हिल रहे हैं तो इसके लिए मैं एक स्टिक लूँगा और स्टिक इस तरह इसको। देखें फ्रेंड्स, ये हमारी कश्ती तैयार हो चुकी है। इस पर हमने बेस भी लगा लिए और हमने पर्दे भी लगा लिए हैं, बहुत खूबसूरत लग रही है। और न्यूज़पेपर से आप भी इसी तरह क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉल रेडी हो चुकी है, कितनी खूबसूरत एंड स्टाइलिश है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसी वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू।